ये लोग जो ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से, ये लोग जो है यदि इतने सच्चे और अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो फिर फर्जी ट्विटर बनाने का क्या जरूरत है? और 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, उसको 4.5 लाख दिखाने का क्या जरूरत है? कैसे कैमरा खराब और पैसा दे देंगे कंपनियों को लाकर ट्वीट पर दिखाने का क्या जरूरत है? और ये लोग बताएं भाजपा के लोग, यदि ये हिंदी के विरोधी हैं तो खुल के बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं चाहते हैं। ये बोले कि हम संस्कृत के विरोधी हैं, और ये बताएं कि हिंदू धर्म में संस्कृत का स्थान क्या है। एक भी ग्रंथ हमारा, एक भी धार्मिक जो है किताब में, एक भी हमारा श्लोक बिना संस्कृत के नहीं होता। तो बीजेपी के लोग में हिम्मत है, वो बोलेगा, वो बोले, वो बोल रहे कि आप ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, बोले कि इसको हम पसंद नहीं करते हैं। बोले बोले कि ओम भूर भुआ स्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले कि हमको पसंद नहीं है, हम संस्कृत पसंद नहीं करते हैं। बोले ही हिम्मत है तो मर्द की तरह बोले कि हिंदी हम नहीं चाहते हैं। भाजपा के लोग बोले आके आपके माइक में, हम तो बोल रहे हैं कि हम हिंदी चाहते हैं, संस्कृत चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं, झारखंड की सब भाषा चाहते हैं। लेकिन यदि ये लोग मर्द हैं तो आपके माइक में आके बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, संस्कृत के विरोधी हैं। तो ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, वी वॉन्ट डू कंस्ट्रक्टिव वर्क। और हम लोग की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इस राज्य के नौजवानों को उनके भविष्य के सौगात को देने के लिए तत्पर है। कहीं पर भी हमारा इब्बत नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल सरल है कि झारखंड का नौजवान को झारखंड में रोजी रोजगार कैसे मिले। इनके तरह हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन करके सरकार नहीं चला रहे हैं और अनुबंध पे नहीं चला रहे हैं। इन लोगों ने कहा था ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया 2 करोड़ लोगों को रोजगार? डबल इंजन की सरकार थी भाजपा और सेंट्रल और स्टेट में, क्या हुआ? अनुबंध पे चली ना, कितने लोगों को रोजगार दिया? इसलिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार नौजवानों के साथ धोखा नहीं करेगी, उसके साथ कदम तल करेगी। लेकिन ये लोग, भाजपा कभी बोलती है 2018 का नियोजन नीति लाती है, कभी जाके गिरिडीह में जाकर बैकड्रॉप लगाती है 1932 का खतियान, तो बताएं उसकी स्थिति क्या है, स्पष्ट करना चाहिए उसको। तो आप 5 लाख नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, महंगाई समाप्त करने की बात, 100 दिन में आपको स्विस बैंक से पैसा लाने की बात जो प्रधानमंत्री जी ने किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।